जी आज आपको बता दें कि आज मामान खान का जो रिमांड था 2 दिन का वो पूरा कर लिया गया है और आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे सीधे कि इसी कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा क्योंकि अभी 11 बजे के बाद उनको पेश किया जाएगा। काफी फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, चारों तरफ से बैरिकेड किया गया है, पुलिस यहाँ पर चारों तरफ लगा दी गई है ताकि कोई अनहोनी घटना घटे। उसके लिए बता दें कि एक रोड को यहाँ पर सील कर दिया, रोक दिया गया है और एक रोड को चालू किया गया है जिस रोड से आया गया। और बता दें कि मामन खान को पुलिस लाइन में रखा गया था, वहीं उसको रिमांड लिया गया था। अब उसको 11 बजे के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कुछ उसमें निकल गया था क्योंकि पुलिस जो रिमांड लिया था, रिमांड के दौरान क्या कुछ उन पर हाथ लगा है, तो ये अभी जानकारी बाद में दी जाएगी क्योंकि अभी कुछ देर पहले उनको रिमांड पूरा होने के बाद उनको पेश करने की तैयारी पुलिस कर रही है। और बता दें कि अभी उसके बाद क्या कुछ निकला, क्या दोबारा पुलिस में रिमांड ले पाते या फिर मामन खान को में जमानत मिलती है, तो अब देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ इसमें निकल गया है, पुलिस किस सबूत के तौर पर उनको पेश करती है, क्या कुछ उनका हाथ लगा है पुलिस के। तो बताया जा रहा है कि कुछ बड़ा ही खुलासा इसमें होने वाला है, तो अभी देखना यह है कि आखिर क्या वो बड़ा खुलासा है जो मामन खान के खिलाफ होने वाला है। तो अभी बात करें कि अभी से ही फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है, चार तरफ से फोर्स लगा दी गई है। वहीं नूह जिले की अगर बात करते हैं, नूह जिले में भी बाईपास से बात करते हैं, बाजार की बात करते हैं, काफी फोर्स यहाँ पर लगाई हुई है। वही इधर देखिए और जहाँ कोर्ट में वहां को पेश किया जाएगा वहां पर भी काफी फोर्स लगाई हुई है और किसी को भी आने अंदर नहीं दिया जा रहा है। सभी की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि मीडिया कर्मी की भी गाड़ी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।